हेलो एंड वेलकम टू 5paisa.com। आज हम बात करते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग और इसके इम्पोर्टेंस की। वो कहते हैं ना कि कल क्या होने वाला है ये कोई नहीं जानता, और इसलिए हमें कल की तैयारी आज से ही कर लेनी चाहिए। हर छोटे बड़े सपने किसी अनहोनी से निपटने और 60 के बाद ठाट की जिंदगी बिताने के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग जरूरी है। चलिए मैं समझाती हूँ कैसे। मैंने ये नया आईफोन खरीदा है और वो भी अपनी सेविंग से। जी हाँ, मैंने इसके लिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल नहीं किया है और पेरेंट्स से भी उधार नहीं लिए हैं। इस 1 लाख के आईफोन के लिए मैंने 1 साल तक 8,000 रुपए की SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान को चुना। अगर मैं ये फोन बिना SIP के EMI में लेती तो मुझे एक्स्ट्रा 13,000 रुपए और चुकाने पड़ते। खैर, ये तो हुई मेरी बात। मेरी तरह आप भी अपने हर छोटे बड़े सपने के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं। मैं एक एग्जांपल देती हूँ। अगर आप 10 साल बाद US जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं तो कम से कम आपको 50 लाख रुपए की जरूरत होगी। इसके लिए आज से ही निवेश करना शुरू करें। हर महीने 20,000 रुपए की SIP करें। हिस्टोरिकली म्यूचुअल फंड में रिटर्न 12-18% के बीच में देखा गया है, तो अगर आप 20,000 रुपए प्रति महीने के हिसाब से अगले 10 साल तक निवेश करेंगे तो विदेश जाकर पढ़ाई करने का सपना पूरा हो सकेगा। ड्रीम्स डू कम ट्रू, बस जरूरत है सही टाइमिंग और प्लानिंग की। पेपर पेन उठाएं, अपने इनकम, एक्सपेंसेस, एसेट्स और लायबिलिटीज की लिस्ट तैयार कर लें। इससे आपको आपके सरप्लस अमाउंट का पता चलेगा। अब अपने अलग अलग गोल्स को टाइम फ्रेम के साथ लिख लें। लाइफ इज लाइक अ रोलर कोस्टर राइड। कुछ ऐसे सिचुएशंस होते हैं जिनसे निपटने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, जैसे अचानक जॉब छूट जाए या फिर एक्सीडेंट हो जाए। इस तरह की दिक्कतों से बचने के लिए अपनी 6 महीने की इनकम का एक इमरजेंसी फंड तैयार रखें। आप चाहे 20s में हो या फिर 30s में, लाइफ इंश्योरेंस को फाइनेंशियल प्लानिंग में जगह जरूर दें। अक्सर लोग ये समझते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस महंगा होता है, जो कि बिल्कुल गलत है। मान लीजिए कि आपकी उम्र 25 साल है और आपने 1 करोड़ का टर्म प्लान लिया, तो आपको रोजाना सिर्फ 20 रुपए खर्च करने पड़ेंगे और अपने परिवार के लिए और अपने लिए हेल्थ इंश्योरेंस भी लेना मत भूलें। साथ ही रिटायरमेंट की तैयारी भी आज से ही करें। जब आप जॉब कर रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपने ऊपर खर्च ना करें। खर्च भी करें, मगर थोड़ा सा हिस्सा कल के लिए जरूर बचाएं। इस तरह से आप अपने और अपने परिवार की फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग की तरह तमाम उलझनों के जवाब आप 5paisa.com पर जब लॉगिन करेंगे तो आपको मिल जाएंगे। साथ ही 5P स्कूल पर भी ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेंगी।